आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ईशान इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में, जो कि रिसेंट में ही लिस्टेड होने वाला है। यहाँ देखिए 9 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक इसके आईपीओ ओपन होंगे। और ईशान इंटरनेशनल देखें तो ये एसएमई आईपीओ आ रहा है। एसएमई बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो ये इसको बोलते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होती है। इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस कंपनी में जो आईपीओ ओपन हो रहे हैं अलॉट में जो अप्लाई करने के लिए, वो 9 सितंबर से 14 सितंबर का है। और ये देखेंगे कि कंपनी रेज कर रही है अराउंड 18.24 करोड़, और जिसका जो फिक्स प्राइस किया गया है अराउंड 80 रुपीज का। और जो एसएमई के जो स्टॉक्स होते हैं, जो आईपीओ आते हैं, उसमें मिनिमम देखेंगे तो 1 to 2 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ टोटल शेयर, नंबर ऑफ शेयर देखेंगे तो वो अराउंड 1600 के आसपास का है। इस कंपनी को देखें यहाँ तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो इंडिया सर्टिफाइड स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस है। और ओवरऑल देखें तो 26 ईयर का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है। और साथ में इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखें तो आप बेहतर तरीके से यहाँ समझ पाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, शुगर मशीनरी एंड प्लांट, इक्विपमेंट ऑफ सीमेंट प्लांट, और सभी देखेंगे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सोलर पावर प्लांट एपीआई, ये जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इसकी सर्विसेज हैं, ये फ्यूचर मल्टीबेगर सेक्टर है। और आप इस बात से समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वाइंड पावर और सोलर पावर के स्टॉक्स काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, शुगर के स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो श्योरली ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। इसके साथ ही इस कंपनी में आप देखेंगे कि लगभग इस कंपनी के जो वेल नोन ब्रांड हैं जो इंडिया के बाहर हैं, यहाँ देखें आप बुस्को शुगर माइल्स, यूनिवर्सल रोबिना जैसे बड़े बड़े क्लाइंट हैं। और ये जो कंपनी फंड रेज कर रही है अराउंड 18 करोड़ के आसपास का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ देखेंगे कंपनी ने ऑब्जेक्टिव कहा है कि ज्वाइंट वेंचर के एक्विजिशन और ज्वाइंट वेंचर के फंडिंग के लिए ये फंड रेज करी जा रही है, जिसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मतलब कंपनी के एक्सपेंशन के लिए जो खर्चे आने हैं उसके लिए ये कंपनी फंड रेज कर रही है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। और साथ में ही इस कंपनी के अगर आईपीओ डिटेल्स को अगर आसानी से आप समझें तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि अराउंड 9 सितंबर से 14 सितंबर तक ये आईपीओ यहाँ 9 सितंबर को शुरू हो रहा है, ओपन हो रहा है, और 14 सितंबर को ये क्लोज हो रहा है। इसके साइज हमने बताया कि अराउंड ये कंपनी जो है 18.24 करोड़ फंड रेज कर रही है, जिसमें 22 लाख 80 थाउजेंड के इक्विटी शेयर को फ्रेश शेयर अलॉट करेंगे, और जिसका फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपीज़ के आसपास का है। जैसा कि हमने कहा 80 रुपीज़ पर शेयर इस शेयर के प्राइस होंगे, और रिटेल कोटा में अराउंड 50% और जो NII कोटा है वो अराउंड 50% का होने वाला है। यहाँ अगर आप एक लॉट अलॉट लेना चाहते हैं या एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम शेयर जो है वो अराउंड 1600 शेयर है, जिसके लिए मिनिमम अमाउंट आपको 1,28,000 फंड के अप्लाई करने पड़ेंगे। इसके साथ ही देखिए अगर ये अलॉटमेंट आपको नहीं होता है तो 20 सितंबर को ये रिफंड आ जाएंगे, अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो 19 सितंबर को ये आपके डीमैट अकाउंट में अलॉट कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए कि ये जो क्रेडिट होगा डीमैट अकाउंट में 21 सितंबर को क्रेडिट होगा, और जो अलॉटमेंट है ये आप पता कर पाएंगे कि 19 सितंबर को कि आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, और 22 सितंबर को ये अलॉट हो जाएगी, और उसके बाद इस दिन जो है ये लिस्टिंग हो जाएगी। ओवरऑल इस समय इसके फाइनेंशियल्स को भी देखें तो काफ़ी फाइनेंशियल्स रेवेन्यू आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। पैट में देखें तो कंटिन्यूस पैट भी कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अर्निंग पर शेयर इस समय देखें तो कंपनी के पेयर्स को अगर आप देखें तो एक एडोर फिनटेक है जो अभी भी लिस्टेड है, अनूप इंजीनियरिंग लिस्टेड है, ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतर कर रही है। तो श्योरली आपको जो ईशान इंटरनेशनल है या ये काफ़ी अप ट्रेंड में ट्रेड होते हुए आने वाले दिनों में दिख सकता है। रिसेंट के कुछ एसएमई को देखें यहाँ तो आप पाएंगे कि 666%, 500, 300 सभी एसएमई आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। तो एज पर रिसेंट आप हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे एसएमई स्टॉक के तो आप समझ पाएंगे कि जिस प्रकार ईशान इंटरनेशनल आईपीओ के यहाँ प्रोडक्ट आपने देखा, जिस प्रकार से मल्टीबेगर सेक्टर को ये बिलोंग करती है, तो श्योरली ये स्टॉक
आने वाले दिनों में अप ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिखने वाला है। तो आपको शायद पता ही हो कि आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए आप बेनिफिशरी तभी होंगे जब आपके पास जितना मैक्सिमम डीमेट अकाउंट होगा, जितना मैक्सिमम डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस आपके अलॉटमेंट के हो सकते हैं। तो हमने अपने डीमेट अकाउंट को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप श्योरली इस डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।